Good morning, children. This is your English period. Welcome to English period. Today is Thursday. So, children, take out your Universal Grammar Book 1 and also take out Chapter 8, Capital Letter and Punctuation, page number 31. In previous video, I have explained this chapter where we are using capital letter and when we are using full stop and question mark and when we are using exclamation mark. बच्चों फिर से एक बार आपको हम इसकी बता दें. We use capital letter to bring a sentence and a proper name. हम लोग capital letter एक sentence जब start होता है being a sentence एक sentence के starting में और जो भी proper name है proper noun है उसमें हम लोग use करते हैं. इसके कुछ examples भी हम लोग देखे थे और sentence के end में हम लोग use करते हैं full stop और जो क्वेश्चंस हैं क्वेश्चंस के एंड में हम लोग यूज़ करते हैं क्वेश्चन मार्क्स एंड एक्सक्लेमेशन मार्क जहाँ भी कोई भी शो होता है सरप्राइज सॉरो हैप्पीनेस एक्सेट्रा ये सब जो जिससे शो होता है उस वर्ड्स या सेंटेंस के लास्ट में लगाते हैं हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क. सो चिल्ड्रन We are doing some new exercise. आज हम लोग exercise C करेंगे. Use a capital letter where necessary. So children, take out your book and your copy. हमने इसको copy में समझा दिया है. So, what date is today? 10/9/2020. And today is Thursday. थर्सडे. तो चिल्ड्रन शुरू करते हैं लेसन 8 कैपिटल लेटर एंड पंक्चुएशन. यूज़ अ कैपिटल लेटर वेयर नेसेसरी जहाँ भी ज़रूरत है वहाँ पे कैपिटल लेटर कैसे यूज़ करते हैं आज हम लोग इसको सीखेंगे. तो आई फर्स्ट सेंटेंस आई एम रीडिंग अ बुक. अब आई हमेशा चाहे बिटवीन हो चाहे सेंटेंस के फर्स्ट में हो या लास्ट में या बिटवीन जहाँ भी होगा ये आई मैंने मैं हमेशा क्या होगा कैपिटल लेटर. तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसको आई एम रीडिंग A book. Full stop. I am reading a book. एक तो सेंटेंस का पहला लेटर है एंड I always being with capital. हमेशा इसको हम लोग कैपिटल लेटर से लिखेंगे. ओके नेक्स्ट द ताजमहल इज इन आगरा. अब द जो है वो फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का इसका इसीलिए फर्स्ट लेटर हमेशा स्टार्ट होगा कैपिटल. तो द द ताजमहल ताजमहल जो है ये पर्टिकुलर चीज़ का नाम है एक पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट है उसका नाम है ताजमहल. वो ओनली वन है इसीलिए उसको हमेशा लिखा जाएगा कैपिटल लेटर से ताज महल. ये प्रॉपर नाउन है द ताज महल. ताज टी कैपिटल एम कैपिटल एस कहाँ पे है. अब ये एक पर्टिकुलर जगह
आगरा। अब आगरा पर्टिकुलर जगह है और कोई किस पर्टिकुलर नेम है, इसका स्पेशल नेम है तो प्रॉपर नाउन होगा, इसीलिए आगरा बीइंग विथ कैपिटल ए आगरा। तो बच्चों कैसे हुआ, द फर्स्ट लेटर है, द ताजमहल इज इन आगरा। नेक्स्ट, हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज। हिंदी एक तो फर्स्ट लेटर है सेंटेंस का एच, हिंदी फर्स्ट वर्ड है और उसका वो फर्स्ट लेटर है एच, और ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट है तो हमेशा क्या होगा, एच हिंदी का कैपिटल। हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज। हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज। ओके, अब नंबर फोर, माय मदर इज फ्रॉम मेरठ। अब माय वर्ड प्रोनाउन है बट फर्स्ट वर्ड है सेंटेंस का, उसका फर्स्ट लेटर है एम इज बीइंग विथ कैपिटल। माय मदर is from Meerut. लास्ट में फुल स्टॉप। तो बच्चों आज हम लोग ने क्या सीखा, when we are using capital letter and फुल स्टॉप, कैपिटल लेटर का यूजिंग आज हमने सीखा और फुल स्टॉप का। तो आप, आई एम रीडिंग अ बुक। आई फर्स्ट वर्ड सेंटेंस का फर्स्ट लेटर है और आई ऑलवेज कैपिटल बीइंग, तो आई एम रीडिंग अ बुक। द ताजमहल, द फर्स्ट वर्ड है उसका फर्स्ट लेटर टी कैपिटल, ताजमहल पर्टिकुलर नेम एंड आगरा पर्टिकुलर नेम ऑलवेज बीइंग विद कैपिटल लेटर। हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज। हिंदी पर्टिकुलर लैंग्वेज, पर्टिकुलर नेम और एच कैपिटल, इजी लैंग्वेज। हिंदी इज एन इजी लैंग्वेज। माय मदर इज फ्रॉम मेरठ, अगेन एम फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर, माय मदर इज फ्रॉम मेरठ। Okay, children, do it in your book also. Okay, like this, I am reading a book, I am reading a book, the Taj Mahal is in Agra, the Taj Mahal is in Agra, कहाँ कहाँ capital letter use हो रहा है उसको अच्छे से देख लीजिएगा। Hindi is an easy language, My mother is from Meerut. Okay? अब next क्या है? Use a question mark or full stop whichever necessary. अब हम लोग को ये use क्या करना है? Question mark और full stop. Question mark question के end में होता है और question क्या कैसे बनता है? Is, are, ये आप लोगों ने पहले ही पढ़ा है, is, am, are, was, were, has, have and had, जो being sentence है वो question है, और who we also being questioned with wh words like what, when, who, why and where, ये हम लोग के question के words हैं, इससे हम लोग का क्वेश्चन समझ में आता है, दिस इज क्वेश्चन। तो व्हाट इज़ योर नेम, व्हाट wh, व्हाट इज़ योर नेम, क्या है ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन मार्क। इज ही मैड, तो इससे स्टार्ट हो रहा है, सो दिस इज
क्वेश्चन, माय सिस्टर इज डांसिंग। अब यहाँ कोई क्वेश्चन, माय सिस्टर सिंपल सा एक बात बता रहे हैं, स्टेटमेंट है, तो एंड विथ फुल स्टॉप। आर यू कमिंग विथ मी, अगेन आस्किंग आर, आर बीइंग जो है वो क्या है सेंटेंस, वो क्वेश्चन। व्हाट आर यू डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग, अब व्हाट, व्हाट इज कब यूज करते हैं, बीइंग विथ क्वेश्चन। आई एम प्लेइंग, अब सिंपल सा ये वर्ड, आई एम प्लेइंग, हम खेल रहे हैं, ये दिस इज स्टेटमेंट एंड विथ फुल स्टॉप। इज इट रनिंग, रेनिंग, इट इज रेनिंग, इज इट, तो क्या है ये क्वेश्चन। ओके चिल्ड्रन, तो क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप एंड दिस इज कैपिटल लेटर यूजिंग, दिस इज योर, यू रीड properly this chapter and do your work in your book and copy with very good writing. Okay children, now bye.